आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। जस्ट रिसेंटली मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था यादव यूनिवर्सिटी में। या रिसेंटली मेरा कॉलेज लाइफ बहुत ही जल्दी बीता एंड नाउ आई एम प्लेस्ड। पैसा ही पैसा होगा। मेरे प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी ही देर में बात करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। व्हाई गेटिंग जॉब इज सो स्पेशल फॉर मोस्ट पीपल। हम इंडियंस बड़े ही सिंपल है, वी आर अ हाइप सोसाइटी। कॉलेजेस लाइक IITs, IIMs, दे आर वेरी मच हाइप बिकॉज दे प्रोवाइड अ वेरी गुड जॉब एट द एंड ऑफ द कॉलेज। और गवर्नमेंट जॉब्स को ही ले लो, दे आर वेरी फेमस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे प्रोवाइड सिक्योरिटी। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पीपल, दे डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क, दे वॉन्ट सिक्योरिटी। तो सारे गरीब लोअर मिडिल क्लास लोगों का एक सपना होता है टू गेट ए गुड जॉब और उनका फैमिली सिक्योर हो जाए। मेरा भी वही कहानी है। एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का, एक बहुत ही छोटे गांव से विद बड़े सपने, एंड आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू रीच जादव यूनिवर्सिटी, अ कॉलेज वेयर यू डोंट हैव टू पे मच। जस्ट 10,000 रुपए में आपको 4 साल का बीटेक का डिग्री मिल जाएगा। इट वॉज गुड फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ पैसा वाला फैमिली। तो कहानी पे वापस आते हैं, अबाउट माई प्लेसमेंट्स, राइट। तो कहानी शुरू होती है सेकेंड ईयर के बाद, जब इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो पता ही आपको कोविड था, जहाँ पे 1.5-2 साल हमारा कॉलेज लाइफ ऑनलाइन था, फिर उसके बाद ऑफलाइन कॉलेज खुला, राइट। तो मेरा पहला सेमेस्टर ऑफलाइन वाज द 4th सेमेस्टर और उसके जस्ट बाद ही इंटर्नशिप सीजन था। तो मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं था, मुझे ठीक से पता भी नहीं था कि इंटर्नशिप सीजन के लिए क्या प्रिपेयर करना है। और फर्स्ट ऑफलाइन सेमेस्टर था तो मैंने बहुत ही मजे किए अपने उस सेमेस्टर में। कोशिश किया मजे करने का, लेकिन सेमेस्टर का लोड भी था तो मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया उस टाइम। और इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट होता है, बहुत लोगों ने प्रिपेयर किया था और बिना बोले प्रिपेयर किया था, और बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप भी लग गया अच्छे से जगह, बट मेरा प्रिपरेशन कम था इसलिए मेरा कहीं पे नहीं लगा अच्छा जगह ऑन कैंपस। तो उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा डिप्रेशन फेज। जब इंटर्नशिप नहीं लगा तो मेरा खुद के कॉन्फिडेंस पे बात आ गई एंड आई टुक इट पर्सनली। मुझे लगा कि आई एम नॉट गुड इनफ टू अचीव एनीथिंग इन माई लाइफ और आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई लेफ्ट द फन पार्ट। और मैं साइड में यूट्यूब वीडियोज बनाता था, मैंने वो भी छोड़ दिया एंड आई स्टार्टेड ग्राइंडिंग। सो हम 3 दोस्त मिलके एक साथ स्टार्ट किए प्रिपरेशन का, एक लव्य, अरित्र और मैं, एंड वी ग्राइंडेड लीटकोड अ लॉट। मतलब हम लोग ने एक नोशन पेज बनाया था जहाँ पे हम लोग रोज अपडेट करते थे कौन कितना क्वेश्चन किया है, और हम तीनों के पास एक दूसरे का लीटकोड प्रोफाइल्स था तो हम रोज चेक करते थे किसने आज कितना प्रॉब्लम्स किया है। और जब भी मैं देखता था कि अरित्र या एकलव्य मेरे से ज्यादा लीटकोड क्वेश्चन किए तो मेरा भी एक अलग मोटिवेशन आ जाता था, अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, तो मैं भी स्टार्ट कर देता था लीटकोड क्वेश्चन करना। तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्डअप हो गया था और मजा भी आ रहा था उस टाइम पे। और ऐसा नहीं कि रैंडमली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम लोग का एक डिसाइडेड प्लान था, जैसे कि 10 दिन हम लोग तीनों ट्रीज पढ़ेंगे तो हम सारे लोग मिलकर ट्रीज का क्वेश्चन करने स्टार्ट करते थे। फिर एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हम लोग एक दूसरे का टेस्ट लेते थे, मतलब नए लीटकोड क्वेश्चन के साथ। सो इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव प्लेसमेंट प्रिपरेशन। और साथ साथ ऑफलाइन सेमेस्टर भी चल रहा था तो हम लोग असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, लैब्स वी हैड टू अटेंड एंड दे वर रियली हार्ड। थर्ड ईयर का कोर्स लोड इज वेरी वेरी हार्ड। मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस में थर्ड ईयर में जो कोर्स करिकुलम है इज वेरी वेरी हेक्टिक। एंड इफ द HOD ऑफ आवर डिपार्टमेंट इज सीइंग देन प्लीज थोड़ा लोड कमा देना, बिकॉज प्लेसमेंट भी इसी टाइम पे चलता, सो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द लोड, राइट। और हमारा प्रिपरेशन के साथ रिसेशन भी चल रहा था साइड में। यस, रिसेशन। हमारे सीनियर बैच जो 2023 बैच के थे उनके तो प्लेसमेंट खराब गए थे और हमें लग रहा था कि हमारे टाइम तक सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होप था कि शायद वो जो डिप था वो चला गया है, हम लोग फिर से ऊपर जाने वाले कर्व में है। तो आई वॉज स्टिल होपफुल कि हमारे प्लेसमेंट सीजन आते आते शायद सिचुएशन बेटर हो जाए। मैं तो रोज इंटरेस्ट रेट चेक करता था US फेडरल बैंक का कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या घटाया, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए और उसके चलते रिसेशन आ जाता है मार्केट में। अगर वो इंटरेस्ट रेट घटाते तो फिर से बूम आता, फिर से हायरिंग स्टार्ट हो जाता अच्छे तरीके से और रिसेशन खत्म हो जाता, बट दे डिडंट और रिसेशन ऑन गोइंग था। और रिसेशन तो था ही, और उसके साथ और एक बड़ा कांड हो जाता है हमारी यूनिवर्सिटी में। जादवपुर यूनिवर्सिटी डेथ केस। अ स्टूडेंट डिड सुसाइड ड्यू टू एक्सेसिव रैगिंग इन मेन हॉस्टल ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी। इट वाज अ शॉक फॉर मेनी पीपल एंड पीपल वर एंग्री एट आवर यूनिवर्सिटी। Alright, some big breaking news coming in from Kolkata. Massive protests have erupted on the streets of Kolkata against mysterious death of a first year student of JU. हाँ, सबको पता था हॉस्टल में थोड़ा बहुत रैगिंग होता है, बट इतने खतरनाक तरीके से होता है किसी को नहीं पता। और उसके बाद तो रेपुटेशन ऑफ अवर यूनिवर्सिटी यहाँ से यहाँ मतलब खत्म हो गया। जो कुछ रेपुटेशन बचा तो वो भी खत्म हो गया। रोज कैंपस में मीडिया वाले मिल जाते थे कैंपस का डार्क सीक्रेट्स निकालने के लिए, कौन कहाँ पे क्या नशा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन रैगिंग कर रहा है। एंड सम गुड स्टूडेंट्स वेर इवन अफ्रेड टू टेक एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। सोचो जिस कॉलेज का NIRF रैंकिंग 10th है वहाँ पे लोग एडमिशन लेने से डर रहे हैं, सोचो वो कॉलेज का क्या हालत होगा।
और इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ा हमारे प्लेसमेंट सीजन में। मतलब जो कंपनी पहले आते थे वो तो रिसेशन के चलते तो आ ही नहीं रहे थे, और सुसाइड केस के बाद रेपुटेशन खराब होने के बाद और आने का मन नहीं कर रहा था उनका। लेकिन फिर भी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है और मैं तो ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, तो मैं सोच रहा था शायद अच्छा होगा। बट इतना घटिया तरीके से प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ। जो कंपनीज मिडिल के तरफ आते थे दे वेयर द फर्स्ट कंपनीज टू कम, और सॉफ्टवेयर कंपनीज तो आ ही नहीं रहे थे। मोस्ट ऑफ द कंपनीज वेयर बैंक्स लाइक मॉर्गन स्टैनली भी नहीं आया, लाइक ड्यूश बैंक, वेल्स फागो का ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म बहुत ही घटिया है वैसे। सो बैंक्स ही आ रहे थे और सॉफ्टवेयर रोल्स बहुत ही कम थे इस बार। बैंक्स के साथ कंसल्टिंग कंपनीज भी आ रही थी और सॉफ्टवेयर से ज़्यादा तो जॉब्स कोड में थे इस बार। और इंटर्नशिप सीजन के टाइम में जो हुआ सेम चीज़ इधर भी रिपीट हो रहा था, मतलब कि यहाँ भी ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक नहीं हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन करने के बावजूद पता नहीं वो लोग क्या देख के शॉर्टलिस्ट कर रहे थे। मैंने मेरे दोस्तों ने इतना प्रिपरेशन किया फिर भी हम लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे थे, और बहुत सारे लोगों का तो PPO भी अटका हुआ था। मतलब बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट थे जिनका अच्छे जगह इंटर्नशिप लगा था दे वेर अगेन सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स क्योंकि उनको PPO नहीं मिला था। लेकिन फिर भी कंपनीज आ रही थी थोड़े बहुत। ऐसे ही अगस्त निकला, सितंबर भी निकल गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर अक्टूबर में एक दो जगह इंटरव्यू भी दिया मैंने बट कहीं भी नहीं हुआ। फिर दुर्गा पूजा आने वाला था, तो वेस्ट बंगाल में जनरली दुर्गा पूजा का बहुत ही लंबा छुट्टी मिलता है, तो मुझे लग रहा था कि पूजा आने वाला है और मेरा अभी तक जॉब नहीं लगा तो मैं घर किस मुँह से जाऊँगा। मुझे तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था ऑनेस्टली, बट स्टिल मैंने पैकिंग वगैरह किया घर जाने के लिए, और घर जाने का दिन भी पास आ गया था। और उसी दिन मेरा एक कंपनी का इंटरव्यू था, उस कंपनी में मैंने पहला राउंड दिया एंड आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। सेकेंड राउंड दिया वो भी अच्छा गया, फाइनल राउंड भी बहुत अच्छा गया। मुझे लग रहा था कि मेरा इस कंपनी में हो सकता है। फिर शाम का टाइम था लगभग 6 बजे आफ्टर द इंटरव्यूज राइट, तो हमारे डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर मेरे को फोन करके बोलता है भाई तू जो लास्ट वाला राउंड दिया उसमें कितने इंटरव्यूअर्स थे। तो मैंने कहा मेरे 2 इंटरव्यूअर्स थे, और मेरे इंटरव्यू खत्म होने के टाइम जो दूसरा इंटरव्यूअर था उसका फोन कॉल आ गया तो वो निकल गया बाहर, बट ही टुक माई इंटरव्यू। देन ही सेड कि तेरे बाद जितना इंटरव्यू लिया उसमें सिर्फ एक ही इंटरव्यूअर था। मैं डर गया कि मुझे फिर से इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया जाएगा, तो वो बोला कि नहीं आने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाद जो लोग थे उनका दोबारा इंटरव्यू होगा। तो मुझे लगा मेरा अलग इतना ख़राब है, मेरा अच्छा इंटरव्यू गया फिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया। और फिर उसके बाद मैं पैकिंग अपना कर लिया, घर जाने के लिए मैं रेडी था। उस दिन रात को 8 बजे ट्रेन था मेरा, और मैं फ़ोन में बात कर रहा था मम्मी से, और फ़ोन में बात करते करते मेरा व्हाट्सएप वेब खुला हुआ था और उसमें अचानक से एक मैसेज आता है उसमें, और उसमें शॉर्टलिस्ट होता है और बहुत सारे नामों में मेरा भी नाम रहता है उसमें। भाई साहब उस दिन मैं इतना खुश था, मैंने लिटरली मेरे आंसू आ गए। यस आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम, मतलब लगा कि सारा झमेला खत्म हो गया। मुझे लगा कि आई डोंट हैव टू डू लीड कोड एवरी डे नाउ, मुझे लगा इतना मेहनत किया कहीं ना कहीं तो हो गया, और इस रिसेशन में मेरा जॉब है, आई एम वेरी मच लकी। और उस रात मैं घर के लिए निकल गया, बहुत ही खुश था मैं उस रात, बहुत ज़्यादा खुश था मैं। बट ये खुशी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, कुछ दिन बाद एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। बट एंड नाउ द बिग क्वेश्चन जिसके लिए ज़्यादातर ऑडियंस वेट कर रही है, विच कंपनी, व्हाट इज द पैकेज, आपको चाहिए ना मसाला। तो सबसे पहले इट्स अ वेरी बिग कंपनी विद अ डिसेंट पे एंड आई डोंट वांट टू रिवील द कंपनी नेम, और मुझे पता भी नहीं कि कंपनी का नाम रिवील करना इज अलाउड और नॉट। सो मैं बताऊंगा इट्स नॉट अ फैन कंपनी, और होता भी तो मैं फ्लेक्स नहीं करता बिकॉज नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इस बार का प्लेसमेंट सीजन बहुत ही खराब जा रहा है और बहुत लोग जो बहुत मेहनत किए हैं दे आर स्टिल अनप्लेस्ड। और IITs में भी देख लो प्लेसमेंट्स आर डाउन 20-30%, दे आर टॉप IITs, पीछे वाले IITs में तो हालत बहुत ही खराब है। सोचो NITs है, उसके बाद दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस में तो 50-60% प्लेसमेंट्स आर डाउन, और जो लगता भी तो वहाँ पे 3-4 LPA का पैकेज लगता है, और कॉलेज प्लेसमेंट में बहुत ही लक वाला फैक्टर रहता है। सो वेयर यू विल गेट प्लेस्ड यू योर सेल्फ डोंट नो। और मुझे अपना पूरा पर्सनैलिटी कंपनी के ऊपर नहीं बनाना। आप देखते होंगे ना भैया दीदीज माइक्रोसॉफ्ट Amazon उसके नाम पे कोर्सेज बेच रहे हैं, दे आर नॉट रॉन्ग बट दे हैव मेड देयर होल पर्सनैलिटी अराउंड देयर कंपनी। और जब ये कंपनीज ले ऑफ करते हैं तो बिसाइड दैट इट्स अ गुड कंपनी विथ अ डिसेंट पे इन रिसेशन, सो आई एम वेरी हैप्पी। बट डू आई वॉन्ट टू वर्क इन कॉरपोरेट, वो आगे की बात है, बट अभी के लिए तो इट्स ऑल राइट। आई होप यू लाइक माई प्लेसमेंट जर्नी, और मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ एंड आई एम समवेयर दैट मोस्ट पीपल वॉन्ट टू बी, सो व्हाट स्टॉपिंग यू। जो भी छोटे गाँव से देख रहे हैं बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, बिकॉज अगर मेरे जैसे लोग कर सकते हैं देन यू कैन ऑल्सो डू इट। और मुझे YouTube वीडियोस बनाना बहुत ही पसंद है, तो आप आगे और वीडियोस देखते रहेंगे, और मैं थोड़ा पर्सनल डेवलपमेंट साइड भी वीडियोस बनाना चाहता हूँ, तो अगर आपको पसंद आएगा पर्सनल डेवलपमेंट टाइप वीडियोस देन प्लीज़ कमेंट, क्योंकि आई रियली बिलीव सेल्फ इंप्रूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तब तक के लिए मस्त।